हो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग दोस्तों? आज हम जा रहे हैं मेरी जेठानी जी के मायके में, उनकी अम्मा की तबीयत खराब है तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। फतेहपुर रोड से हम लोग जा रहे हैं। अभी एक ये मोड़ आया सामने से, इस मोड़ से हम अभी हमारी जेठानी जी के मायके के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रास्ते में हमको मोर दिखा, नाचेगा कब क्या मालूम, तुम नाचेगा। चलो ये हम लोग निंदवापुर गांव में पहुँच गए हैं। आगे बैठे ना, अब यहाँ से हम घूमते हुए बामन तारा के लिए अभी निकल रहे हैं। पहुँच गए हम अब बामन तारा गांव। ये देखिए गांव के घर, सीधा उनके घर के पास ही गाड़ी खड़ी होती है। ये हम हमारी जेठानी के घर आए हैं, ये इनका घर है। देखिए अब गांव के घर तो ऐसे ही रहते हैं, छोटे से हैं इनके, छोटे छोटे घर है, तीन चार भाई हैं। और तुम कौन हो दीदी? ये इनकी भाभी हो ना? हाँ। इनकी बहू हो ना आप? हाँ, ये क्या कहते हैं, हमारी अम्मा की बहू यानी कि हमारी भाभी हैं। और ये है हमारी जेठानी जी की मम्मी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये लेटी हुई है अभी। अब इनको हमने देख लिया, अब हम अपने घर जा रहे हैं। मेरी जेठानी का गांव है बामन तारा। यहाँ पर जेठानी मेरी बचपन से रही हैं और जैसी उनकी शादी हो गई उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए। उसके बाद मैं सिर्फ माँ से मिलने के लिए आना जाना करती हैं, साल में एक आध बार आती हैं, जल्दी आती भी नहीं है। ये देखिए इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, या हमारी अम्मा यहाँ पे सोई हुई हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी इनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गई है, तो अब इन्हीं को देखने के लिए हम भी आए हैं। अभी हम देख लिए हैं, अब यहाँ रात रुकना तो मुश्किल हो जाता है हमारे लिए क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। अभी हम जाएंगे शहर में, तिंदवारी में जाकर रहेंगे और दो तीन दिन के बाद में फिर हम महाराष्ट्र वापस चले जाएंगे। हमारी भाभी हैं और ये जनार्दन के बच्चे हैं, यानी हमारी जो माँ है, माँ के नाती पोता हैं सभी जन। ये किसके हिस्से का घर है? ये मंझले जेठानी के मंझले। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये बतख है दो ठो। हाँ। देख बात भी करते हैं इनको, अगर आवाज दिए थे बोलते भी हैं। ये देखिए आवाज दे रहे हैं, ये बतख को आवाज दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, बाय।